अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं बैन अल-अक़वामी मंजरनामे से अहम वाक़यात की तरतीब व तफ़सील। साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ कांग्रेस इमारत हमले पर मुआख़्ज़ा आइंदा माह से होगा। 7 जनवरी को साबिक सदर की तकरीर के बाद मुश्तइल हामियों ने कांग्रेस की इमारत पर हमला कर दिया था, जिसमें 5 हलाकतें हुई थी। अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बरदारी पर तैनात 200 सिक्योरिटी एहलकार कोरोना में मुब्तला। चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 1 खेप मुफ्त फराहम करेगा। रूस में अपोजिशन रहनुमा की रिहाई के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अक़वामे मुत्तहिदा ने अपने स्टाफ को किसी भी पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र करने से रोक दिया। बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम वाक़यात की तरतीब व तफ़सील। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी में तल्ख कलामी। बिलावल के पास तहरीके अदम एतमाद के नंबर पूरे हैं तो पेश करें एहसन इकबाल। ब्रॉडशीट में $100 मिलियन की मजीद जायदादें सामने आ रही हैं। शेख रशीद सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान और वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती की लाहौर में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दीगर अहम सियासी और हकूमती अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। PIA का मलेशिया में त्यारा रोकने का मामला। कौमी एयरलाइन ने त्यारे की लीज रकम अदा कर दी। लीजिंग कंपनी को $70 लाख अदा कर दिए गए। रकम लीजिंग कंपनी पैराग्रेन एसोसिएशन चार्ली कंपनी को अदा की गई। PIA के वकील ने लंदन हाई कोर्ट को लीज अदायगी के बारे में भी आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और आवाम के अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से अराकीन ने कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुलाकात में मावन खसूसी बराए सियासी अमूर आमिर डॉगर, अराकीन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान को अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्के में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इन इकदाम को सराहा और जारी शाहराहों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। आलमी और मकामी मंडी में सोने के नर्ख फिर बढ़ गए। हफ्ते भर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को तनासली का सामना। और अब आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। हमने अंग्रेजी को अच्छा और उर्दू को जहालत बना दिया है, शर्म का मकाम है। यासिर हुसैन हलीमा सुल्तान के पेशावर जर्मी के ब्रांड एम्बेसडर बनने की कयास आरायों पर शर्मीन उबैद फट पड़ी। अमिताभ बच्चन को खातून की तारीफ करना महंगा पड़ गया। गुलशन ग्रोवर को लफ्ज बुजुर्ग की गलत अदायगी पर शर्मिंदगी का सामना। यहाँ बुलेटिन के इख्तिताम पर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से अहम खबरें। कौमी खेल हॉकी की तरक्की के लिए अदाकार शान मैदान में आ गए। यासिर शाह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। खुशगवार मौसम से प्रोटीज का चेहरा खेल उठा। अज़हर अली की खुशफहमी न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी बैटिंग को कामयाब करार दे दिया। के साथ ही अब तक की देसी टीवी यूएसए से खबरों का वक्त यहां खत्म हो जाता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।